अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब आज हमने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करनी है। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है, वो आपके पास है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए माइनस बी, मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी। यानी इस फार्मूला में आपके पास जो ए और बी जो होगा वो एक दफ़ा माइनस होगा मल्टीप्लाई, फिर एक दफ़ा प्लस होगा। अब हम इसको क्वेश्चंस में देखते हैं, उसमें हमें वाज़ेह हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन है 9 - x2। इसको हमने देखना है, हमारे पास फार्मूला क्या, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वैल्यू आपके पास 9 - x2 है, 9 3 का कंप्लीट स्केयर है और एक्स स्केयर को हम एक्स का होल स्केयर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 3 जो है वो ए है और एक्स जो है वो बी है फार्मूला के मुताबिक। अगर हम ये देखें ए स्केयर यहाँ पे क्या है, 3 स्केयर बन जाएगा माइनस का साइन, और बी स्केयर यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको हम लिखना किस तरह है फार्मूला के मुताबिक, कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 3 - x इंटू 3 + x, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, -6 + 6y2। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम -6 कॉमन लेंगे, -6 जब कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 - y2। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, जो हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इस एक्सरसाइज में कौन सा लगना है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या फार्मूला हमारे पास, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर है, ए माइनस बी।